ऐसा नहीं है कि मैं मिस नहीं करता घर को, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो अचीवमेंट्स आप हमारी पहले देखते हैं पाकिस्तान में, उसको पाने के लिए भी बहुत कुछ खोना पड़ा है, और इसको पाने के लिए भी बहुत कुछ खो रहा हूँ और खोना पड़ेगा मुझे। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं रामेश और आप देख रहे हैं बाबा फन आरआर से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट न्यूजीलैंड ऑकलैंड से। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट 2 or 3 months हो चुके हैं मैं, किन्ज़ा और सलार जो है वो न्यूजीलैंड मूव हो गए थे पाकिस्तान से। तो भाई आपके बहुत से क्वेश्चन थे इस चीज़ को लेकर के, बहुत से सवालात थे। आज उनमें से चंद एक क्वेश्चंस के जवाब मैं आज के व्लॉग में दूंगा, तो आज का व्लॉग लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो भाई सलार साहब ने देखें गंद भी डाला हुआ है, और सलार साहब जो है वो काफी टाइम से हमें तंग भी कर रहे हैं। तो सलार साहब का आज हम ये हल करने लगे हैं कि मैं चाह रहा हूँ, मैं जा रहा था ग्रॉसरी करने, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं सलार को भी साथ ले जाता हूँ। चल रहे कैसे मासूम बन गए, जाने कि नहीं जानो। बता दो, चल दूर जाना है सलार, चले चले चले। कैसे कैमरे को पोज दे रहे, चलो चलते हैं ग्रोसरी करके आते हैं। ठीक है, ग्रोसरी भी करते हैं, बाकी सबको भी दिखाते हैं यहाँ पे ग्रोसरी कैसी होती है। ठीक है, तो भाई ये रही सलार की कार सीट जो हम पाकिस्तान से लाए थे, टिनीज की। लेकिन मुझे लगता है कि भाई अब ये जो है वो छोटी हो जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह और कोई एक माह बाद आई थिंक के सलार साहब जो है वो इसमें नहीं समाएंगे। तो अभी सलार साहब को इसमें डालते हैं और लेके चलते हैं। वो देखो कैसा है। हाँ, क्या लेना है इसमें से? गंदा बच्चा, निकाल इसको, पैसिफायर को बाहर निकाल, बाहर निकाल दे। गंदे, ये तो ऐसे आया जैसे खुद उठ के बैठ जाएगा इसमें। आ जाओ, बैठ जाओ। वो इसलिए आया कि वो मुंह में डाल सके, गंदा। तो भाई ग्रॉसरी पे जाने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप बायनोमो के बारे में भाई, जिसको यूज करते हुए आप अपने रोजमर्रा के खर्चे निकाल सकते हैं, अपनी ग्रॉसरी के खर्चे निकाल सकते हैं। तो भाई अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके बायनोमो ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड कर लें, और अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। बायनोमो ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करते ही आपको मिलेगा आपका डेमो अकाउंट, जिसमें आपको मिलेंगे $10,000, वो भी ट्रेडिंग सीखने के लिए। मेरे पास मेरा रियल अकाउंट भी है, तो मैं अपने रियल अकाउंट में शिफ्ट कर लेता हूं, और आप मेरे रियल अकाउंट का बैलेंस भी देख सकते हैं। यहां पे आपको डिफरेंट एसेट्स मिल जाते हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं आज सेलेक्ट करूँगा यूरो यूएसडी को, जिसमें आज मैं ट्रेड करूँगा, और यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ से जो हम 10,000 की ट्रेड लेंगे और ग्रीन बटन को प्रेस कर देंगे, अब वेट करेंगे अपनी ट्रेड के सक्सेसफुल होने का। और जी देखते ही देखते हमारी ट्रेड सक्सेसफुल हो चुकी है और हमारा प्रॉफिट भी हमें मिल चुका है। इसके अलावा बायनोमो में आपको बहुत से ऑप्शन मिलते हैं बायनोमो ब्लॉग्स के नाम से, जहां पे आपको ट्रेडिंग सीखने के हवाले से हर चीज़ मिलेगी। यहां पे वीडियो लेसन्स आपको मिलेंगे, आप यहां से ईजिली ट्रेड सीख सकते हैं। यहाँ पर बहुत से ऑप्शन हैं, आप इनको लाजमी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एजुकेशन, बायनोमो न्यूज़, हाउ टू ट्रेड, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू सेव जैसे बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। तो भाई देर किस बात की है, अभी डाउनलोड करें बायनोमो ट्रेडिंग ऐप को। अगर इसके अलावा आप मेरा प्रोमो कोड बाबा फन यूज करते हैं तो आपको मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट पे 50% बोनस। जी तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सलार साहब और मैं बाहर आ चुके हैं ग्रॉसरी करने के लिए। बड़ा निखरा खूबसूरत सा दिन निकला हुआ है आज, ग्रॉसरी के लिए बेहतरीन दिन है। तो भाई आज हम किन्ज़ा को नहीं लाए ग्रॉसरी के लिए, हमने कहा आज
बाप बेटा जाके अकेले अकेले ग्रोसरी करके आते हैं। जब बेगमात साथ आती है ना तो खर्च एवं ज्यादा हो जाता है यार। ये भी लेना है, वो भी लेना है, रामिश ये भी ले लू ना, ये भी तो जरूरत है, नहीं है बस ले लू, नहीं ले लू, हम खुद करेंगे आज बस सलार और मैं। यार सलार की जो एक बात है ना, जो बस मैं क्या आपको बताऊं। अब देखें वहां ये तंग कर रहा था, ओए सामने गाड़ी आके रुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। उफ तो भाई हम ग्रोसरी करने पहुंच चुके हैं और सामने अभी एक खातून आई है गाड़ी पे, ये देखें इस गाड़ी पे वो ग्रोसरी करने आई है। पोर्शे है भाई, पोर्शे है, पता नहीं पोर्शे कहते हैं जो भी है, लेकिन आप गाड़ी चेक करें। सुभान अल्लाह सलार की यार एक बात नहीं ठीक, फिर उठ गया। एस्टन मार्टन है वो, कह रहा ब्लैक एस्टन मार्टन। एस्टन मार्टन है भाई, वो भी देख रहे हैं गाड़ी को, कहने जी ब्लैक एस्टन मार्टन है। तो भाई सलार साहब का मसला ये है कि सलार साहब जब आते हैं गाड़ी में बैठते ही सो जाते हैं। सलार साहब उठिए चलिए ग्रोसरी करिए। तो भाई ये है वो गाड़ी, आप देखें जरा गाड़ी, ये नॉर्मल बात है भाई, यहाँ पे हमारे लिए बड़ी महंगी बात है, इनके लिए नॉर्मल बात है। गाड़ी चेक करें आप, सुभान अल्लाह हमें भी देगा, दुआ करें बस आप, अल्लाह हमें भी देगा एक दिन, हम भी इसी तरह एस्टन मार्टिन पर ग्रोसरी करने आ रहे होंगे। अच्छा जी सलार साहब को आज हमने उसमें नहीं डाला जो होती है ना, क्या कहते हैं यार उसको, प्राम, हम ये आसान हल निकाला हमने इसमें डाल लिया। भी आज सलार साहब अपनी मर्जी से बताएंगे क्या क्या लेना है, बताओ भाई। बनाना ले लें बनाना। तो भाई सबसे पहले जो है वो हम बनाना ले लेते हैं सलार के लिए। लास्ट टाइम मैं लेके गया था हाय, तो वो ना साइज़ बड़ा था यार, यहाँ साइज़ है ही बड़ा, तो वो एक बनाना एक टाइम में सलार खाता नहीं है, फिर फिनिश नहीं होता। लेकिन अब क्या करें, यहाँ पे साइज़ ही यही वाला है, लेकिन थोड़े कच्चे कच्चे लेता हूँ ताकि थोड़ा टाइम पड़े भी रहें तो ख़राब ना हो। ये देखें ये उससे भी बड़ा है, ये ज़्यादा नरम है, ये ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं, ये ठीक लग रहे हैं, कुछ कच्चे पक्के भी हैं और सही भी हैं। अच्छा जी बनाना हमने ले लिया, भाई थोड़े से टमाटर ले लेते हैं, काफ़ी टाइम से हम ना टमाटर प्यूरी यूज़ कर रहे हैं लेकिन यार उसका मज़ा नहीं आ रहा है सालन बनाने का ना, तो इस बार को दो चार टमाटर ले जाके देखते हैं इसको सालन में डाल के ट्राई करेंगे। अगर इनकी चस आई ना, मज़ा आया, तो फिर हम आइंदा जो है ना भाई टमाटर लिया करेंगे। पांच टमाटर ले लिए हैं, बहुत है। तो भाई कीवी ले लेते हैं, कीवी भी सलार की ख़त्म हुई हुई है, तो भाई दो कीवी बहुत है, दो नहीं एक और ले लेते हैं। चलो ये थोड़ी हार्ड है, चलो ठीक है यार, पड़ी देगी तो सही हो जाएगी। कीवी भी हमने ले लिया है, ये देखो ये लेमन है भाई, ये ऑरेंज नहीं है मेरे भाइयों, ये ऑरेंज है, ये लेमन है साथ जो पड़ा हुआ है, लेमन का एक कहा हुआ, आपकी आवाज़ थी किसकी आवाज़ थी। तो भाई ये एक लेमन का पैक ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छा सा कोई, तो भाई लेमन भी हमने ले लिए हैं। उसके अलावा देखते हैं कोई और फ्रूट हमें अगर समझ आता है तो, दो एप्पल ले लेते हैं भाई, एक लड़ो तो ना। अमूमन यहाँ पे ऐसा होता नहीं कोई उतनी ऊंची आवाज़ से बात करे, लेकिन पता नहीं क्या इशू है। दो भाई हमने एप्पल ले लिए हैं। सलार साहब आप यहाँ पे रुकें, अंदर बड़ी सर्दी है, मैं ज़रा चक्कर ला के फेरा मार के आया। भाई किंजा कह रही थी बंद गोभी लेनी है, तो भाई बंद गोभी भी ले लेते हैं, यहाँ पर इस तरह कटी हुई मिल जाती है। उलझा अंदर सर्दी है इसलिए नहीं आपको लेके जा रहा। उसके अलावा भी हमने कुछ लेना है, ये क्या है भाई पता नहीं क्या है, ये वो पड़ी ब्रोकली, ये क्या है भाई, ये और ही चीज़ पड़ी, ये भाई
हाथ मिला लो, हैंड शेक कर लो। नाइस टू मीट यू। जी तो भाई सीजन मार्केट से निकल के अब हम आ चुके हैं वूलवर्थ में और अब हम यहाँ घूम फिर रहे हैं। घूमना फिरना ही है ना भाई, टाइम ज़ाया करना ना, समझें बात को, बस टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो अगर साथ साथ कुछ समझ आ गया तो वो भी पकड़ लेंगे। अब दो से वो पकड़ लेते हैं ना, ड्राई फ्रूट पकड़ लेते हैं। ड्राई फ्रूट कौन से वाला लें, कौन से वाला जिसमें लवाजमात कम हो, ज़्यादा लवाजमात वाला मज़ा नहीं देता। ये ले लें या ये ले लें या ये ले लें। तो भाई एक ये $9 वाला जो है ये हमने उठा लिया है। इसके अंदर डिफरेंट ड्राई फ्रूट हैं और इसके अंदर सर ब्रिंग अ ब्रस्ट ऑफ सनशाइन इनटू योर डे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके तो ये सेम नहीं है यार, ये सेम नहीं है। ये $5 का कि $6 का क्यों है, वो $9 का क्यों है? हम तो ये लेंगे ना $6 वाला, ये क्यों लेंगे $9 वाला? अल्लाह माफ़ करे। ये इधर वापस, ये भाई हमने ले लिया, सुभान अल्लाह। तो जी ये हम यहाँ रख लेंगे। सलार साहब मज़े आ रहे हैं, इसे खेल लो इसे खेल लो इसे खेल लो। कॉफ़ी भी लिया भाई हमने, ये कैपचिनो लिया, एक मोखा लिया, मोखा मोखा। बड़ा अरसा हो गया यार, आज़रबाईजान में हम ये खाते थे मिर्चें। मुझे एक जगह नज़र आई थी, यहाँ कहीं मुझे नज़र आ जाए ना, नहीं तो फिर वो हमें लेनी पड़ेंगी, वो जो हमारी हलाल बुचरियाँ ना वहाँ से मिलती हैं फिर। और भाई इसके अलावा यहाँ जो मेरे पीछे आप देख रहे हो काफ़ी सारा मीट लगा हुआ है, गोश्त ही गोश्त है। लेकिन यहाँ भाई गोश्त के बड़े मसले हैं गोश्त के। यहाँ पे अब पोर्क भी यहीं पे लगा हुआ है, यानी आपकी ज़बान में कहे सुअर, तो वो भी यहीं पे लगा हुआ है। बीफ भी यहीं लगा हुआ है, लैम भी। अगर यहाँ पे कोई हलाल मीट पड़ा भी हो उसको फिर भी उठाने का दिल नहीं करता, क्योंकि साथ ही पोर्क पड़ा है यार, दिल अजीब सा हो जाता है। और बस अभी मैं कुछ कह नहीं रहा, बस ठीक है बस। तो भाई ये एक ले लेते हैं, ये मज़े की चीज़ है यार, इसमें से जब क्रश क्रश करके निकलता है ना मज़ा आता है। लेकिन यार ये लंबे वाली लेते हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पे कोई लंबे वाली पड़ी हो ना वो ले लेते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रॉसरी हमारी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है, सिर्फ मीट रह गया लेने वाला। तो अभी चलते हैं बुचरी शॉप पर और वहाँ से कसाई कोल चालने हैं, कसाई कोल चालने हैं, तो उत्थों कुछ लेने हैं। जी तो भाई आपके साथ आज मैंने और किंजा ने करनी है काफ़ी गपशप, पर्सनल कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी है, क्योंकि आप भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। अभी मैं गिरने लगा था तो जी माशाल्लाह आज तो अच्छा माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वाह भाई वाह, बड़ी फ्रॉक मारी है भाई। और ये भाई ये बताएंगे कहाँ से लिए बताएंगे अभी नहीं बताना था, थोड़ी देर में बताएंगे, थोड़ी देर हम नहीं बता रहे, ठहर के बताएंगे चलो भाई। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं किंजा और सलार रेडी हो चुके हैं, तो भाई हम जाते हैं खूबसूरत सी लोकेशन पे, वो लोकेशन भी आपको दिखाते हैं। और आपसे आज भाई काफ़ी गपशप करनी है, कोई अंदर की बातें आपके साथ डिस्कस करनी है, वो डिस्कस करते हैं भाई आपके साथ, सारी बातें आपको बताते हैं, बेफिक्र रहे आप। तो भाई हाजिर खिदमत हैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे आज। जब से मैंने इस सफ़र का आगाज़ किया, मैंने किंजा और सलार ने, सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो थे, जो सबसे ज़्यादा लोग आप सब जानना चाहते थे, लोगों के लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करूँगा, आप मेरी फैमिली हैं, कि रामिश भाई उन लोगों का तो समझ आता है जिनके पास पाकिस्तान में कुछ होता नहीं है या जो इतने सक्सेसफुल नहीं होते पाकिस्तान में, वो तो पाकिस्तान को छोड़ के जाते हैं। आपके पास अल्लाह की कौन सी ऐसी नेमत है जो अल्लाह ने आपको पाकिस्तान में नहीं दी, उसके बावजूद आप पाकिस्तान छोड़ के चले गए, अपने वालदैन को छोड़ के चले गए। तो ये सबसे बड़ा सवाल था जो मुझे काफ़ी टाइम से तंग भी कर रहा था कि मैं आप सबको के साथ ये शेयर करूं। और किंजा भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस सवाल के जवाब के साथ आज हम हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर जो कुछ मेरे पास पाकिस्तान में है, जो कुछ अल्लाह ने दिया है,
अगर वो सब मेरे पास जद्दी पुश्ती होता या फोर फादर्स जिसे कहते हैं, यानी जद्दी पुश्ती, वो चीज़ें मेरे पास होती, ज़मीनें होती पहले से, मुरब्बे होते और मैं वहाँ पे जो है सेल्फ मेड इंसान ना होता, तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं यहाँ पे आता, न्यूज़ीलैंड आता। वो सब कुछ जो मुझे पाकिस्तान में मिला, वो सब कुछ मैंने खुद बनाया, बाबा ने, मैंने, पूरी फैमिली ने मेहनत करके वो सब कुछ बनाया। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, इट सेल्फ, मैं सेल्फ मेड इंसान हूँ और मैं मेहनत को, हेलो हेलो बाय बाय कर दो, उसने खाना है उसको। तो सबसे बड़ी रीज़न, सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो विरसे में मिली हो, हमने सब कुछ खुद बनाया, वी आर सेल्फ मेड। सबसे बड़ी पहली रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि जो सेल्फ मेड इंसान होता है वो कभी भी वेला नहीं बैठ सकता। वो फ्री नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर आप इसको गोद में लेना चाहते हो तो ले लो। तो सब कुछ था, हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी वहाँ पे स्टक हो गई है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो जो एक इंसान तसव्वुर करता है वो सब कुछ मेरे पास था। अल्हम्दुलिल्लाह शेफ़ थे, काम करने वाले हैं, बल्कि काम करने वाले ड्राइवर, सब कुछ, दुनिया की हर आसाइश जो एक इंसान सोच सकता है वो सब मेरे पास पाकिस्तान में था और है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे लगता था कि यार अगर मैं यही ज़िंदगी गुजारता रहा, जो मैं, मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, जो मैं एक सेल्फ मेड इंसान हूँ, मैं उस चीज़ को इतनी सी उम्र में, इस एज में मैं उन सब चीज़ों को खो दूँगा, क्योंकि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ या जो मेरी मेरी हैबिट्स हैं, जो मैं फ्यूचर में करना चाहता हूँ, मेरी क्रिएटिविटी है, अगर मैं इसी तरह चलता रहा, चीज़ें ऐसी ही चलती रहीं, तो वो क्रिएटिविटी कहीं धुंधला जाएगी और वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जब एक इंसान को हर चीज़ बेल्ट पे मिल रही होती है, सब सेट चल रहा होता है, तो वो उसका दिल नहीं करता कि वो कुछ करे। और मैं ऐसा लगता था जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुआ था कि मेरी ज़िंदगी रुक गई है, सब थम गया है, क्योंकि सब कुछ, हर चीज़ करी कराई मिल जाती थी। तो सबसे बड़ी पहली रीज़न ये थी कि मैं दोबारा से ख़ुद को टफ़ टाइम देना चाहता था, चीज़ों को दोबारा से बिल्ड करना चाहता था, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता था और स्टार्टअप लेना चाहता था दोबारा से। तो इस वजह से मैंने पाकिस्तान को छोड़ा। ये पहली रीज़न मैंने आपको बता दी। सेकंड रीज़न किंजा अपने हवाले से, अपने बारे में बताएगी। सेकंड रीज़न लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ी रीज़न थी कि अगर मैं अपने करियर को ग्रो करना चाहती थी, मैं प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहती थी, तो एज़ अ फीमेल पाकिस्तान इतना बिजनेस फ्रेंडली मुझे नहीं लग रहा था। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, हर चीज़ उतनी आसान नहीं थी। कुछ हद तक रामेश वाली बात ठीक है कि कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा थी, विच आई अग्री। हर चीज़ आपको की भी मिल जाती थी, आप बड़े लेज़ी हो जाते हो, बड़े लेट बैक हो जाते हो कि यार सब कुछ तो मिल ही रहा है। तो ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न थी कि अगर मैं अपने आप को ग्रो करना चाहती थी, पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहती थी, तो जो अब तक मैं कर चुकी थी अचीव, वो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो चीज़ें मुझे पीछे की तरफ ही खींच रही हैं, मैं पीछे जा रही हूँ। मैं मज़ीद आगे ग्रो करने की बजाय, फ्यूचर में अपने आप को आगे मज़ीद बेहतर करने की बजाय, मुझे ऐसे लग रहा था कि गियर रिवर्स में जाना शुरू हो गया। तो ये एक दूसरी रीज़न थी कि अगर हम दोनों, इतना ज़्यादा वो कम्फर्ट जोन हो गया था कि हम चाहते थे कि हम उस कम्फर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने आप को वाकई टफ़ टाइम दें कि क्या हम इन आसाइशों के बगैर चीज़ें कर सकते हैं बेहतर। तो एक सेकंड पॉइंट था कि अपने आप को चैलेंज देना था हमने कि हम इससे अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट इज़ दैट के आप सबको पता है, अब तक आइडिया हो गया होगा कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। किंजा को भी है, लेकिन मुझे जो है वो जुनून की हद तक ट्रैवलिंग का शौक है। आपने मेरी अज़रबैजान वाली सीरीज़ देखी होगी, लेबनान वाली सीरीज़ देखी होंगी, ईस्ट अफ्रीका के कुछ व्लॉग आपने पुराने देखे होंगे, पूरा पाकिस्तान जो हमने आप सबको दिखाया, दुनिया, मतलब पाकिस्तान का कोई ऐसी जगह नॉर्थ में कोई ऐसा मकाम नहीं है जो हमने आप सबको ना दिखाया हो। इतनी हद तक, क्रेज़ की हद तक हमें ट्रैवलिंग पसंद है। लेकिन रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में तो हम ट्रैवल कर ही रहे थे, सब कुछ था, लेकिन जब भी मैं जाता था कि मैं चाहूँ कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करूँ, तो सिर्फ 3-5 कंट्रीज़ के अलावा कोई ऐसी कंट्री नहीं थी जिसका वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाए। भी आपने अप्लाई किया, ऑनलाइन अप्लाई किया, या ई वीज़ा है, या वीज़ा ऑन अराइवल है, और आपने अगले दिन टिकट बुक करी और आपने कहा सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह, और भी घूम फिर के आए। यार
पांच पांच महीने वेट, छह छह महीने वेट, साल साल वेट, दो दो साल वेट वीजा का। तो ये अकल मेरी जब कुछ था ही नहीं, तब तो था ही नहीं, तब तो ना ट्रैवल करने के पैसे थे, ना ये पता था कि मैं दुनिया घूमने का शौक पैदा हो जाएगा। जब कुछ आया तो फिर पता लगा भाई पैसे होने के बावजूद भी आसान नहीं है चीज़ें, क्योंकि पासपोर्ट जो है हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह हमें और तरक्की दे, हमारे पासपोर्ट को ग्रो करे, वो नीचे से टॉप करता है और वो वर्स्ट तरीन पासपोर्ट्स में से एक पासपोर्ट है, जिससे जिस पे कहीं ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। अभी बहुत से लोग कमेंट करेंगे जी हमने वहाँ ट्रैवल किया, वहाँ इट्स रेयर चांसेस, बहुत कम है एक आम इंसान के लिए, आम लोगों के लिए, वो दुबई के अलावा, सऊदीया के अलावा, दो चार और कंट्री वीज़ा ऑन अराइवल, अजरबैजान वगैरह, इन जगहों के अलावा और कहीं नहीं जा सकता। तो हाँ मेरी जान, आपसे भी पूछते हैं, आपसे पहले पूछेंगे। तो भाई मैं चाहता था कि मैं किसी ऐसी कंट्री में जाऊँ कि जहाँ का पासपोर्ट दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट हो, तो भाई इसलिए पाकिस्तान छोड़ा। ये थर्ड रीज़न है कि मैं किसी ऐसी कंट्री को चूज़ किया कि जहाँ का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो, पासपोर्ट मिले और मैं वीज़ा फ्री 185 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकूँ इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो अब किंजा की तरफ, तो हम एक ऐसी जगह पे मूव करना चाहते थे जो कि बहुत डाइवर्स हो, मल्टी कल्चरल हो, जहाँ पे हम बहुत अगर आप किसी मल्टी कल्चरल जगह पर चले जाते हो, आपका एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सुन रहे होते हो, आप डिफरेंट कल्चर्स की स्टोरीज सुन रहे होते हो, उनके डिफरेंट कल्चर्स के खाने एक्सप्लोर कर रहे होते हो, उनके पीछे क्या बैकग्राउंड है, उनके खानों के पीछे, जस्ट लाइक रामेश ने मेंशन किया कि हम दोनों को ट्रैवल का बहुत शौक है, तो इट इज़ वन ऑफ दोज रीजंस कि अगर आप मल्टी कल्चरल जगह पर जाते हो, आपका एक्सपोजर, आपकी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो न्यूजीलैंड वॉज वन ऑफ दोज प्लेसेस जो बहुत ज़्यादा मल्टी कल्चरल है और बड़ा वेलकमिंग है इस बारे में, तो हमने इसलिए न्यूजीलैंड को चूज़ किया। फिफ्थ रीज़न इज़ दैट के सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं इस रीज़न के लिए, कि सबसे बड़ी रीज़न नारोवाल से लाहौर शिफ्ट होने की ये थी कि नारोवाल में भाई गंदगी बहुत ज़्यादा थी, गलियों में गंद, नालियाँ, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं, खुले पड़े हैं गटर, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्ड कर सकता था तो अल्लाह ने बेहतर जगह पे घर दिया, हम DHA मूव हो गए लाहौर में। किस लिए? अभी सफाई है, साफ़ सुथरा है, ग्रीनरी है, नालियाँ नहीं है, कूड़ा क्रिकेट नहीं है, वो जगहें भी तो अल्लाह ने इंसानों के लिए ही बनाई है ना। मैं ये सोचता था जब मैं DHA जाता था, जब चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं सोचता था यार ये भी तो इंसान है, इनके लिए भी तो अल्लाह ने, ये भी तो साफ़ सुथरी जगह पे रहते हैं, तो क्या मैं डिज़र्व नहीं करता? तो मैं अपने अल्लाह से मांगता था कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे, इतनी इस्तात दे कि मैं भी इस जगह पे आकर रह सकूं। तो अल्लाह ने दी, तो मैं लाहौर मूव हो गया। तो लाहौर मूव होने के बाद पता चला कि भाई यहाँ सफाई तो है, लेकिन जो यहाँ स्मोग है वो आपको जीने नहीं देगी। और ऐसा ही है सलार के साथ, जिन दिनों में हम यहाँ शिफ्ट हुए स्मोक स्टार्ट हुई और हमारा सांस लेना मुश्किल हो चुका था लाहौर में, और सलार के लिए इतना मुश्किल था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मे भी हम कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हो सकता है बाकी भी तो लोग लाहौर में रह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप इसको सर्च भी करेंगे तो लाहौर जो है वो आई थिंक थर्ड या सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड वर्स्ट सिटी बनती है पोल्यूशन के साथ। ग्लोब आपको सेकंड नंबर पे मिलता है पाकिस्तान में, सॉरी अक्रॉस द ग्लोब सेकंड नंबर पे लाहौर आता है पोल्यूशन वाइज, और ये कोई बड़ी कोई प्राउड की चीज़ की बात नहीं। और दूसरा ये कि ठीक है ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन द गवर्नमेंट इज़ नॉट रियली टेकिंग एनी एक्शंस फॉर दैट, और ये आई थिंक हमारे सिटीजन्स के लिए ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये रीज़न थी, उस रीज़न की वजह से मैं चाहता था कोई ऐसी कंट्री हो जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वो अचीव किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ की सफाई का, खूबसूरती का, और यहाँ की आबो हवा का। ऐसा लगता है कि बंदा कोई फिज़िकली कोई चीज़ अपने अंदर इनहेल कर रहा है, इतनी साफ़ सुथरी आबो हवा है। तो ये थी फिफ्थ रीज़न, आई थिंक ये रीज़न्स काफ़ी हैं। और यार एक और चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करता चलूँ कि आप कहते हैं कि आपने वालदैन को छोड़ दिया, हम सब ने मिल के मेहनत की और एक कंफर्ट जोन को अचीव किया पाकिस्तान में, और मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि जो कंफर्ट जोन मेरा भाई, मेरी वालदा, मेरे बाबा जी रहे हैं, जो कंफर्ट जोन वो इन्जॉय कर रहे हैं, कि उस कम्फर्ट जोन में कभी भी कोई खलल आए।
उसके लिए मुझे चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, मुझे चाहे जो है ना वो समझ लें कि मजदूरों की तरह काम करना पड़े, लेकिन मैं जो लाइफस्टाइल वो अब गुजार रहे हैं, जब नहीं था तो नहीं था, अगर अब वो गुजार रहे हैं तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि उसमें कोई खलल आए, फ्यूचर में कोई उनको प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की तंगी आए। तो एक ये रीज़न थी, मैं उनकी वजह से, मैं अपनी फैमिली की वजह से बेसिकली मूव हुआ कि मैं और चीज़ों को ग्रो करूं और ज़्यादा बेहतर करूं, ताकि मेरी फैमिली को फ्यूचर में किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो, वो कहीं ट्रैवल करना चाहें, घूमना चाहें तो यहाँ मेरे पास आएँ, घूमें फिरें। और ये एक सबसे बड़ी रीज़न थी, और फ्यूचर में बहुत से प्लान्स हैं, आपको साथ साथ पता चलते रहेंगे। अगर कोई और रीज़न रह गई है, सम अप कहते हैं ना, सम अप करना, उसको क्लोज करने को सम अप कहते हैं, सम अप करना चाहेंगे किंजा सर। ये बातें आप सबके साथ एज ए फैमिली डिस्कस करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव शेड दे रहे हैं या पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं। ये बातें करने का आप लोगों के साथ मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो वहाँ पर मौजूद हैं और जो ये चीज़ें देख रहे हैं कि अच्छा ये इतनी अच्छी जगह पे आए हैं, तो इन्हें क्या पड़ी हुई थी, इतनी क्या मुसीबत थी, सब कुछ होने के बावजूद ये क्यों छोड़ के आए हैं। तो वो चीज़ें ये शेयर करने का मकसद सिर्फ आपके साथ ये था कि एक आपको पर्सपेक्टिव मिले, एक आपको एक अलग नज़रिया मिले कि अगर हम पाकिस्तान को छोड़ते हैं या अगर हम भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे ये चीज़ें जो हमें, शायद बहुत से लोग होंगे जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे होंगे लेकिन पाकिस्तान में वो ईज़ नहीं है, हो सकता है कि वो पाकिस्तान में ही हमें देख के ये चीज़ के, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं मिली वहाँ, वो वहाँ पे ये चीज़ बेहतरी लाने की कोशिश करें। और जहाँ तक बाकी चीज़ें वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, पाकिस्तान हमारा दिल है, हमारी जान है, जो कुछ हमें पाकिस्तान ने दिया है, और ऐसा नहीं है कि चीज़ें आसान हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मिस नहीं करता घर को, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो अचीवमेंट्स आप हमारी पहले देखते हैं पाकिस्तान में, उसको पाने के लिए भी बहुत कुछ खोना पड़ा है, और इसको पाने के लिए भी बहुत कुछ खो रहा हूँ और खोना पड़ेगा, मुझे पता है। लेकिन अगर आपके गोल्स बड़े हों तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखते। मैं बिल्कुल भी, मेरा वो नहीं था कि मैं इमोशनल हो जाऊँगा। सो आप सबके लिए बहुत सारा प्यार, और मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है आप सबके लिए बहुत सारा प्यार, आप हैं तो दिल लगा रहता है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, मेरी आईडी आपके सामने चल रही है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। और अभी थोड़ा बहुत, अगर व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो आपको थोड़ा बहुत पार्क भी दिखा देता हूँ, दिखा देना। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं सोचा था कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ठीक हूँ, गंदा गंदा पता नहीं उसे गंदा, तुम होगा गंदा, वो नहीं गंदा। ओट में चुपके देख रही थी चांद के पीछे पीछे थी, सारा जहां देखा देखा ना आँखों में, पलकों के नीचे थे, मिल जा कहीं परे, मिल जा कहीं तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन, सुरीली अखियों वाली।